Hello student, I am Pooja Yadav from Shuddha Singh Children Academy. Student, welcome to our YouTube channel. आपका स्वागत है हमारे YouTube channel पे. Today I will teach you maths. So today's your subject is maths. Okay? Clear? आज हम maths पढ़ेंगे. And today's your topic is greater than less than. Okay, today's topic is greater than and less than. Okay, clear? आज हम क्या पढ़ रहे हैं? Greater than पढ़ रहे हैं और less than पढ़ रहे हैं. Okay, चलिए start करते हैं. So let's start. First of all, get the board. Have a look. Look here. I will draw here some ball. मैंने यहाँ पे कुछ balls draw किए हैं. Let's count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. फर्स्ट ऑफ फर्स्ट में आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, ये दोनों कौन है? राजा एंड अली. ओके, मान लीजिए आप टू स्टूडेंट है मेरे पास. एक का नाम है राजा और दूसरे स्टूडेंट का नाम है अली. ओके, पहले स्टूडेंट का क्या नाम है? राजा. और जो दूसरा स्टूडेंट हमारा है उसका नाम है अली. ओके, अब हम इनके जरिए आपको एग्जांपल देकर समझाएंगे कि ग्रेटर देन और लेस देन किसे कहते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ मेनी बॉल्स आर हियर? हियर सिक्स बॉल्स. राजा हैज सिक्स बॉल. काउंट विद मी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. राजा के पास कितने बॉल्स हैं? राजा के पास सिक्स बॉल्स, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना. चलिए काउंट करते हैं वंस अगेन. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, वंस अगेन. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. हाउ मेनी बॉल्स आर हियर? राजा है सिक्स बॉल. राजा के पास कितने बॉल्स हैं? राजा के पास सिक्स बॉल्स हैं. ओके, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सिक्स बॉल्स जो है ये किसके पास है? तो राजा के पास है. नेक्स्ट हम आते हैं अली के पास. ओके, अब हम देखते हैं कि अली के पास कितने बॉल्स हैं. राजा के पास तो क्लियर हो गया सिक्स बॉल है. ओके, देन अब हम जानना चाहेंगे कि अली के पास कितने बॉल्स हैं. तो इसको जानने के लिए, पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? जो अली के पास बॉल्स है उन्हें हमें काउंट करना होगा. ओके, लेट्स कम विथ मी. 1, 2, 3, 4. ओके, हाउ मेनी बॉल्स आर हियर? 4 बॉल. ओके, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. अली हैज 4 बॉल्स. हाउ मेनी बॉल्स हैज अली? अली हैज 4 बॉल्स. ओके, हु हैज मोर? आप बताइए किसके पास ज्यादा है? हु हैज मोर? अली के पास ज्यादा है कि राजा के पास ज्यादा है? सिक्स इज ग्रेटर देन फोर. मतलब सिक्स फोर से ज्यादा होता है. ग्रेटर मीन्स क्या हुआ? बड़ा, ज्यादा. ओके, और लेस मीन्स कम. तो सिक्स इज ग्रेटर देन फोर. सिक्स क्या है? फोर से बड़ा है. ओके, एंड फोर इज लेस देन सिक्स. एंड फोर इज लेस देन सिक्स. फोर क्या है? सिक्स से कम है. फोर क्या है? सिक्स से कम है ना. आपके पास सिक्स बॉल है और मेरे पास फोर बॉल है सपोज. तो आपके पास सिक्स है, मेरे पास फोर है. तो किसके पास ज्यादा हुआ? आपके पास ज्यादा हुआ कि मेरे पास ज्यादा हुआ? आपके पास ज्यादा हुआ ना. वैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये राजा है और राजा के पास कितने बॉल्स है? सिक्स बॉल है. और अली के पास कितना है? फोर बॉल्स. सिक्स किससे ज्यादा होता है? सिक्स फोर से ज्यादा है. सिक्स जो है फोर से ज्यादा होता है. तो राजा के पास ज्यादा है ना, और अली के पास कम है. तो कौन ज्यादा हुआ? सिक्स की फोर ग्रेटर कौन है? कौन से नंबर ज्यादा है? सिक्स जो है ज्यादा है फोर से. ओके, चलिए आइए जानते हैं
आप जाएंगे तो ये आपको और भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और डिटेल में आपको समझाया जाएगा। अभी आपका सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है, वन एक्सरसाइज है, तो अभी मैं आपको इजी थोड़ा सा इजी वे में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको ये और डिटेल में बताया जाएगा। ओके, द सिंबल फॉर ग्रेटर देन इज, ये देखिए ऐसे ये वीक बनी हुई है ना, चोंच, बर्ड देखा आपने, बर्ड की चोंच देखते हैं ना, तो ये देखिए चोंच की तरह से वीक बनी हुई है ना। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है, ये जो चोंच है आगे की तरफ बंद है और ये पीछे की तरफ ओपन है ना। देखिए लुक, हैव अ लुक, ये देखिए आगे की तरफ बंद है और पीछे की तरफ ओपन है। ठीक, तो ये कौन सा साइन है, कौन सा सिंबल है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ये कौन सा सिंबल है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। चलिए आगे जानते हैं हम द सिंबल फॉर लेस देन इज। अब हम किसका सिंबल जानेंगे, लेस देन का सिंबल। अब आप देखिए यहाँ पे, हैव अ लुक, ये जो सिंबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया बनाया है इसमें आपको दिख रहा है कि देखिए ओपन आपका, अगर यहाँ पे मान लीजिए सिक्स है और यहाँ पे आपका मान लीजिए फोर है, ठीक, तो ये ज्यादा है और ये कम नंबर है, तो ग्रेटर की तरफ ये नंबर ओपन रहता है, ये माउथ इसका ओपन रहेगा अभी। और ये देखिए यहाँ पे जिस जहाँ पे कम नंबर होता है, जो अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज, वो यहाँ पे चोंच जो बनी होती है वो क्लोज रहेगा, जहाँ पे जो डिजिट छोटा है जो कम है उसकी तरफ ये वीक जो है बंद रहेगा, आगे की तरफ क्लोज रहेगा, पीछे की तरफ ओपन रहेगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं। चलिए जैसे वन एंड टू, वन एंड टू, ओके। चलिए मुझे बताइए ये ज्यादा है कि ये, वन ज्यादा है कि टू ज्यादा है, वन कम है टू ज्यादा है, तो टू की तरफ कौन सा सिंबल लगाएंगे हम, ऐसे। ये कौन सा साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, और ये लेस देन का साइन है। ये देखिए ये लेस देन का साइन है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। ज्यादा है उधर भी ओपन रहेगी, उधर हमेशा आपको
खुला रहता है और जिधर कम होता है उस तरफ हमेशा बंद रहता है। तो इधर की स्क्वायर काउंट करते हैं 1, 2, 3 और इधर कितना है सर्कल के बाद 1 है। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल हम यूज करेंगे बताइए? यहाँ पे हम यूज करेंगे ये वाला सिंबल, बिकॉज इधर ज्यादा स्क्वायर है, स्क्वायर है और यहाँ पे 1 स्क्वायर, ओके 1 स्क्वायर है। तो ये इधर की जो वीक है ये बंद रहेगी और इधर का क्या होगा ओपन रहेगा। ओके चलिए आपको कुछ और भी एग्जाम्पल बता रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, बहुत इजीली आपको नंबर के अकॉर्डिंग आपको सिखाते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग सिखा रहे हैं। मान लीजिए आपका हो गया बॉक्स, इसमें आपको साइन मेंशन करना है, ओके। अब इधर हो गया आपका 5 और इधर हो गया आपका नंबर 3, ओके। यहाँ पे 3 नंबर हो गया और यहाँ पे 5। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कौन सा साइन यूज होगा, ये वाला साइन ग्रेटर देन का साइन यूज होगा कि लेस देन का साइन यूज होगा? यस, यहाँ पे लेस देन मतलब ये कम है इससे, ये ज्यादा है ना, तो यहाँ पे लेस देन ये वाला साइन यूज होगा। ये देखिए इधर भी बंद है जस्ट, इधर ओपन है क्योंकि इधर के नंबर ज्यादा है और इधर का कम, ओके। कुछ एग्जाम्पल्स आपको और दिखाना चाह रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 6, 7, ओके सॉरी 6 एंड 2, 6 एंड 2। अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा साइन यूज होगा, ये साइन यूज होगा कि ये साइन यूज होगा? चलिए बताइए। यस, यहाँ पे ये ओपन होगा 6 की तरफ, यहाँ पे ये साइन यूज होगा क्योंकि ये कम है, तो इधर भी बंद रहेगी और इधर ओपन रहेगा। ओके समझ में आ गया आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं यहाँ पे आप एक बार इसको बहुत ध्यान से देखिए, ग्रेटर देन के साइन ये है, ये देखिए ये जो आपका साइन है ये ग्रेटर देन का साइन है और ये आपका लेस देन का साइन है। तो मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि जिस तरफ के नंबर ज्यादा है उस तरफ का ये माउथ ओपन रहेगा और जिस तरफ कम है उस तरफ आपका माउथ क्लोज रहेगा। ओके समझ में आ गया? अब आपको इसके अगर इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइजेस दी जाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि आप इजिली कर लेंगे, और अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं फिर से। चलिए अब मैं आपको ग्रेटर देन लेस देन के एक्सरसाइज बुक में करके बताती हूँ कि बुक में कैसे किया जाता है। ओके तो चलिए हम अपनी बुक ओपन करते हैं और ग्रेटर देन लेस देन को समझते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम अपने बुक में ग्रेटर देन लेस देन का एक्सरसाइज करेंगे। ओके मैंने आपको ये चैप्टर अभी समझाया, बोर्ड पे ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में बताया मैंने, तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो है वो हम अपने बुक में सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए ये हमारा एक्सरसाइज है, ओके दिख रहा है ना आपको? पेज नंबर है आपका 16, पेज नंबर है आपका 16 और ये एक्सरसाइज जोन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन। आपको इस दोनों में ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन से इनको फिल करना है। चलिए आप काउंट करते हैं मेरे साथ, काउंट विथ मी 1, 2, 3, 4, कितने हाउसेज हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और इस साइड में कितने हैं 1, 2, 3, कौन ज्यादा है, कौन सा इसमें ज्यादा है? ये ज्यादा है ना क्योंकि ये 4 है और ये 3 है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज होगा? ये सिंबल यूज होगा। ओके समझ में आया आपको? ये देखिए जिधर ज्यादा उधर माउथ ओपन है, जिधर कम है उधर की माउथ क्लोज है। चलिए अब इसमें काउंट करते हैं मैंगोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाउ मेनी मैंगोज आर हियर? 6 मैंगोज। नेक्स्ट साइड में देखते हैं कितने मैंगोज हैं, काउंट विथ मी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने ज्यादा है 6 से? 2 ज्यादा है इधर, तो अब यहाँ पे कौन सा साइन यूज होगा? ये वाला यूज होगा साइन कि ये वाला साइन यूज होगा? क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत इजी ट्रिक है आपके लिए, जिधर ज्यादा होगा उस तरफ की माउथ आप ओपन रखिएगा।
तो इधर ज़्यादा है, तो इस बार आपका माउथ इधर ओपन हो गया और इधर माउथ क्लोज, क्योंकि इधर ज़्यादा है इधर कम है। ओके चलिए नेक्स्ट हम आते हैं बॉयज़ देखते हैं, कितने सारे बॉयज़ हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाउ मेनी बॉयज़ आर हियर, 10 बॉयज़। ओके तो यहाँ पे कितने हैं नेक्स्ट लाइन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 10 ज़्यादा होता है कि 7 ज़्यादा होता है, 10 ज़्यादा होता है ना, तो इस बार कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, इस तरफ माउथ क्लोज रहेगा कि इस तरफ माउथ क्लोज रहेगा, यस इस तरफ माउथ क्लोज रहेगा, ये देखिए आपका है ना, क्योंकि इधर ज़्यादा है तो इधर माउथ ओपन रहेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट हम आते हैं डॉग्स, 1, 2, 3, हाउ मेनी डॉग्स आर हियर, 3 डॉग्स एंड हियर 1 एंड 2, 1 कम है यहाँ पे इस वाले लाइन से, तो यहाँ पे कौन से साइन यूज होंगे, यही वाली साइन यूज होगी, जिधर ज्यादा होते हैं उधर आपका माउथ ओपन रहता है। ओके समझ में आया आपको, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ग्रेटर देन एंड लेस देन, और आपको अगर मैं कॉपी में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दूंगी तो आप जरूर अपने आप से सॉल्व कर लेंगे। ओके थैंक यू।